रिलेशंस के चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग तीन टॉपिक स्टडी कर चुके हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक वॉज इंट्रोडक्शन टू रिलेशंस, इसमें मैंने डोमेन, रेंज इन सब की बातें की थी और आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक ग्राफ बनाने सिखाए थे, ई पावर एक्स का ग्राफ, लॉग एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ एंड सो ऑन, और उन्हीं ग्राफ की हेल्प से डोमेन और रेंज हमने निकाले थे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था और अब फिर से बता रहा हूँ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको इग्नोर मत करना, पूरी मैथमेटिक्स का बेस है ये। अगर ये चीजें आपको आती हैं तो बहुत ज्यादा चीजें आपको मैथमेटिक्स में बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी, नहीं तो आप कहीं ना कहीं फंसते रहोगे। ठीक है, तो प्लीज इन ग्राफ्स को अच्छे से देख लेना, नहीं देखे हैं तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियोस चेक कर लो। ठीक है, अच्छा सेकंड टॉपिक था हमारे पास आर रिलेटिव सेट्स का। थर्ड टॉपिक हमने पढ़ा था ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस। ठीक है, उसमें मैंने आपको बहुत सारे ऑपरेशन दिखाए थे, रिलेशन स्पेसिफिक, रिलेशन इन स्पेसिफिक एंड सो ऑन। अच्छा, ये वीडियो में हम लोग फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज योर 8 ways to represent relations, ठीक है? तो इन 8 ways को start करने से पहले मैं आपको summary देता हूँ previous class की, that is video number 139 की। इस summary में आपको A to Z चीजें सारी brush up हो जाएंगी और एक जगह आप उनको नोट करके अच्छे से रख लेना, क्योंकि बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और गेट एग्जाम में डायरेक्टली आ सकती हैं, इसलिए मैं summary में आपको फटाफट से रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, ओके, देखो भाई, तो आर इनवर्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था क्या होता है भाई, सिंपल फाइंडिंग कैसे करते हैं हम लोग, ऑर्डर पेयर्स को फ्लिप कर दो, है ना, और साइज क्या होता था, आर इनवर्स का साइज आर के साइज के बराबर होता था। तीन प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, आर इज नॉट इक्वल टू आर इनवर्स, बट आर इनवर्स का साइज इज इक्वल टू आर का साइज, है ना, आर इज इक्वल टू आर इनवर्स इफ एंड ओनली इफ आर इज सिमेट्रिक, ये 2-way थ्योरम थी, और आर इफ आर इज आई ए देन आर इज इक्वल टू आर इनवर्स, ये 1-way थ्योरम थी, है ना। ये सब चीजें मैंने बता रखी है तो मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा इस वीडियो को, वीडियो में जबरदस्ती लंबा हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा आर ओ एस फिर सेकंड ऑपरेशन में देखा था, इससे क्या था याद आ रहा है ना, रिलेशन स्पेसिफिक ऑपरेशन थे जिसको हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहा था। हाँ जी, तो क्योंकि ये सिर्फ ऑर्डर पेयर्स पे चलेंगे, नॉर्मल सेट्स पे ये काम नहीं करते। अच्छा आर ओ एस को फाइंड कैसे करना था भाई, मैंने आपको बताया डायरेक्शन आर ओ एस है तो एस से आर की तरफ जाना है, मतलब एस रिलेशन में हमें देखने होंगे एक्स वाई टाइप्स ऑर्डर पेयर, और आर रिलेशन में हमें देखने होंगे वाई जेड टाइप ऑर्डर पेयर, तो आर ओ एस में क्या आ जाएगा भाई, एक्स जेड ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, वही ट्रांसिटिविटी टाइप, है ना, ये सब बता चुका हूं मैं। साइज इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था। अच्छा प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है और इवन इनके साइज भी बराबर नहीं होते हैं, है ना, और एसोसिएटिव भी होता है, तो मैंने आपको बताया भी था ये बहुत स्पेशल ऑपरेशन है भाई, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, जो कि कॉम्यूटेटिव नहीं है बट एसोसिएटिव है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर आर पावर एन हमारा थर्ड ऑपरेटर था, ये आर पावर एन में कुछ नहीं था भाई, देखो फाइंडिंग कैसे कर देते, आर स्क्वायर आर ओ आर, आर क्यूब क्या होगा आर ओ आर ओ आर एंड सो ऑन, है ना, तो मैंने देखो आर ओ आर ओ आर ऐसे लिख दिया है, क्यों, क्योंकि ये एसोसिएटिव होता है, तो इट हार्डली मैटर्स टू मी मैं आर ओ आर ऐसे सॉल्व कर सकता था या फिर आर ओ आर ओ आर ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, तो ब्रैकेट्स ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट आपको याद आ रहा होगा जैसे सेट डिफरेंस हम कर रहे हैं ए माइनस बी माइनस सी, ये लिखना बिल्कुल गलत है, ये एम्बिगुअस है, आपको क्या करना है एग्जैक्टली हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि एसोसिएटिव नहीं होता है, मतलब ए माइनस बी माइनस सी करना चाहते हो या ए माइनस बी माइनस सी ऐसे करना चाहते हो। ठीक है, तो हमें प्लीज ध्यान रखना होता है जो एसोसिएटिव होगा हम उसको एसोसिएटिव छोड़ सकते थे, तो हमने सीधा आर ओ आर ओ आर छोड़ दिया था। ठीक है, ओके, तो आर पावर माइनस टू क्या होगा भाई, आर पावर माइनस वन हो आर पावर माइनस वन या फिर आर पावर टू पावर माइनस वन, हम ऐसे भी कर सकते थे। अच्छा जी, डायग्राफ से भी हम लोग फाइंड कर सकते थे आर पावर एन, और मैंने आपको एक स्टेटमेंट दी थी या एक थ्योरम दी थी, 2-way थ्योरम थी, क्योंकि आई डबल एफ था कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर पावर एन इफ एंड ओनली इफ देयर इज द पाथ ऑफ लेंथ एन फ्रॉम एक्स टू वाई इन डायग्राफ ऑफ आर, मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप कोई भी आर स्क्वायर आर क्यू फाइंड कर सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा भाई, हर एक वर्टेक्स को पकड़ना है, हर एक वर्टेक्स से बाकी वर्टेक्स के लिए पाथ निकालना होगा, जैसे आर स्क्वायर निकालना है तो एक्स वर्टेक्स पकड़ के आप देखेंगे किस किस वर्टेक्स पे पाथ ऑफ लेंथ 2 से हम लोग पहुंच पा रहे हैं, जिस भी वर्टेक्स पे हम लोग पाथ ऑफ लेंथ 2 से पहुंच पा रहे होंगे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर हम लोग डालते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे एक्स से वाई पर रास्ता जा रहा है, एक्स से जेड पर रास्ता जा रहा है, दो दो लेंथ के पाथ से, तो एक्स वाई एक्स जेड ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आर स्क्वायर में आ जाएंगे एंड सो ऑन, बेसिक सी बात है, आई थिंक मैंने पहले एक्सप्लेन की थी आपको। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद साइज, साइज निकालने का वही बात है, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि आर पावर जीरो का साइज क्या होगा, जो ए का साइज होगा, कॉमन सेंस की बात है भाई, एक्चुअली हम मान रहे हैं कि जो रिलेशन है वो सबसेट है ए क्रॉस ए के। ठीक है, हमारी असम्पशन ये है, तो अगर आर ए क्रॉस ए की सबसेट है तो R पावर जीरो क्या होता था भाई, आई ए, है ना, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या करते थे, हर एक एलिमेंट को खुद के साथ लिंक करवा देते थे। अब A में अगर चार एलिमेंट होंगे जैसे 1 2 3 4, तो 1 1 2 2 3 3 4 4, तो चार ही तो एलिमेंट आए हैं ना R पावर जीरो में, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन में सिर्फ चार ही एलिमेंट्स आए हैं और A के अंदर भी चार ही एलिमेंट्स थे, ठीक है जी, इनका साइज एकदम सेम आएगा। आई थिंक समझ पा रहे हो, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, लीजिए ध्यान रखना, फॉर्मूला नहीं है कोई साइज निकालने का, आर स्क्वायर का साइज निकालो, आर क्यूब का साइज निकालो, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बट
आर पावर जीरो के लिए फॉर्मूला है और वो क्या है जी साइज ऑफ ए। ठीक है आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। तो इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता था एग्जाम में कि ए सेट ए का साइज है हमारे पास से 5 एंड आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आर ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आर स्क्वायर का साइज आपको 3 दे देंगे ठीक है और साथ में बोल देंगे आर स्क्वायर आर पावर जीरो का साइज बताओ। ठीक है तो ये गार्बेज डेटा भाई इसका कोई मतलब ही नहीं है। आर पावर जीरो का साइज कितना होगा भाई 5 ही होगा। ठीक है सिंपल बात है समझ गए होगा। अच्छा जी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी कि आर पावर एम ओ आर पावर एन दैट इज इक्वल टू आर पावर एम प्लस एन। बट खास बात क्या होती है भाई कटिंग काट नहीं सकते मतलब एक एम की वैल्यू 3 हो और एन की वैल्यू -2 हो तो फिर 3-2 1 ऐसे काट नहीं सकते मतलब नेगेटिव मतलब एक प्लस एक माइनस हो हम उनको ऐसे काम नहीं कर सकते। ठीक है मतलब कटिंग नहीं होगी समझ रहे हो ना। एक 3 है और एक -2 है तो -2 ने यहाँ से 3 में से -2 उड़ा दिया तो 1 बच गया तो आर पावर 1 आंसर आ जाए। ऐसे हम नहीं कर सकते कटिंग इज नॉट अलाउड। हमें सिंपली ऐसे ऐड करते हुए चलना होता है मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे मतलब एम 3 है एन 2 है तो आर पावर 5 आ जाएगा। ऐसे एम -3 है ये -2 है तो माइनस आर पावर -5 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ये चीज मैंने लिख दिया है कि एम कॉमन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एम कॉमन लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है प्लीज ये बात ध्यान रखना ओके बेसिक सी बात है। अच्छा आर पावर एम पावर एन दैट इज इक्वल टू आर पावर एम मल्टीप्लाइड बाय एन और यहाँ पे एम बिलोंग टू जेड और एन बिलोंग टू जेड जेड मतलब इंटीजर तो मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सब चलेगा मतलब यहाँ पे ये 3 हो ये -2 हो ये सब चलेगा। ठीक है इस बात को मैंने प्रूफ भी आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था। चलो ठीक है दैट्स इट दिस इज ऑल अबाउट समरी ऑफ द प्रीवियस क्लास। अब हम लोग 8 वेज रिप्रेजेंट रिलेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है मैं साइड में होता हूँ फटाफट से आप नोट डाउन करो फिर मैं 8 वेज स्टार्ट करता हूँ। ठीक है आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आपने मैसेज को हटा रहा हूँ और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वही 8 वेज टू रिप्रेजेंट रिलेशंस। अच्छा देखो ये जो 8 वेज है ना जरूरी नहीं कि इनसे क्वेश्चन पुट होगा एग्जाम में ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब कई की बारी कुछ कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जो ज्यादा कॉमन नहीं है और बहुत कम बुक्स उनको यूज करती है और अगर गेट एग्जाम में वही रिप्रेजेंटेशन आ गई तो फिर वो क्या करेंगे ना एक बहुत लंबी कहानी बना के आपको दे देंगे कि भाई ऐसा ऐसा कुछ कुछ है ये इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करा रहे हैं एंड सो ऑन। तो सोचो अगर आपको पहले से वो रिप्रेजेंटेशन पता होगी तो आप उन लाइंस को बहुत जल्दी फटाफट से रिव्यू करके अपना क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं। तो जब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना तो एक्चुअली वो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं वो सिर्फ देखना चाहते हैं गेट एग्जाम में कि आपके अंदर कितनी पेशेंस है आप इतनी बड़ी बड़ी कहानी पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। तो अगर आपको कहानी पहले से आती होगी तो कितना फायदा होगा देख रहे हो आप इमीडिएटली आप क्वेश्चन पे जंप करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है तो 2 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के बन जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये सब मेथड्स दिखा रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि इनसे क्वेश्चन क्या बनेगा मेन बात यह है कि इनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और गेट एग्जाम में अगर बड़ी बड़ी कहानियां आई तो आपको उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एडवांस में चीजें आती होंगी। ठीक है अगर चीज देखी हुई है तो कितना अच्छा फायदा है आपका एग्जाम में बस ये चीज मैं चाहता हूँ। ठीक है ओके चलो ठीक है जी तो अब देखते हैं जरा 8 वेज कौन कौन से हैं। ठीक है तो देखो द वेरी फर्स्ट वे इज लिस्टिंग जो सिंपल अभी तक हम लोग करते आ रहे थे लिस्ट बना लेते थे ऑर्डर्ड पेयर्स की एंड सो ऑन। अच्छा सेकेंड मेथड है हमारे पास स्टेटमेंट मेथड। ठीक है कोई स्टेटमेंट हम लिखेंगे इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके हिसाब से फिर देखेंगे रिलेशन क्या बन रही है। अच्छा थर्ड है जी सेट बिल्डर फॉर्मेट। ठीक है जी सेट बिल्डर फॉर्मेट। अच्छा नेक्स्ट है जी मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स से भी हम लोग रिप्रेजेंट करा सकते हैं रिलेशन को। अब वही बात है देखो अब मैट्रिक्स आ गया अगर एग्जाम में तो आपको पता नहीं होगा कि मैट्रिक्स से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशन को इतनी लंबी कहानी दे देंगे और उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो अगर आपको पहले से मैट्रिक्स पता है कि कैसे मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कराते हैं रिलेशन को तो आप कहानी को इग्नोर भी कर सकते हैं और थोड़ा फटाफट से उनको रिव्यू करके आप पता लग जाएगा कि हाँ जी ठीक है जी ये कहना चाह रहे हैं और उसके बाद क्वेश्चन आप बड़े आराम से अटेम्प्ट कर देंगे। तो वही बात है टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा एग्जाम में और कुछ नहीं। ठीक है अच्छा जी मैट्रिक्स के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड देखेंगे दैट इज योर एरो डायग्राम। ठीक है या पहले डायग्राफ देखेंगे। ठीक है डायग्राफ देन वी विल स्टडी एरो डायग्राम। ठीक है डायग्राफ तो मैं आपको वैसे पढ़ा भी चुका हूँ पहले है ना। अच्छा उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे योर ग्राफ। ओके ग्राफ देखेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे टेबल। ठीक है तो टोटल हमें 8 वेज देखने हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एंड 8। ठीक है टोटल 8 वेज हम लोग देखेंगे। अच्छा जी फटाफट देखो मैं बेस्ट वे क्या है ना एक्चुअली इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल रिलेशन ले लेता हूँ उससे मैं 8 के 8 वेज को दिखा दूंगा। ठीक है तो लेट अस सपोज वी हैव अ रिलेशन आर आर इज इक्वल टू थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करता हूँ आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई ऑन ए और ए मैं आपको सेट दे रहा हूं से 1, 2 और 3। ठीक है
तो रिलेशन आर हमें क्या गिवन है भाई, रिलेशन आर है जी एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई ऑन ए एंड ए सेट इज दिस। तो ये जो मैंने आपको लिख के दिखाई है ना, ये है हमारा सेट बिल्डर फॉर्मेट। ठीक है, आई थिंक ये तो बेसिक सी बात पता होगी, सेट को रिप्रेजेंट कराने के लिए जो वे होता है ना, सेट बिल्डर फॉर्मेट, लिस्टिंग फॉर्मेट, स्टेटमेंट मेथड, एक्चुअली ये तीनों चीजें ना सेट को रिप्रेजेंट करने के भी काम आती हैं। ठीक है, रिलेशन इज ऑल्सो सेट, तो इसलिए फिर रिलेशन पे भी काम आ रही है ना। तो मैं बहुत बेसिक्स में नहीं घुस रहा हूँ, आई थिंक आपको पता होगा दिस इज सेट बिल्डर फॉर्मेट। ठीक है जी, तो इसी को अगर स्टेटमेंट वाइज देखना होता तो हम क्या कहते हैं भाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई ऑन ए। ठीक है, ऐसे बोल सकते थे हम लोग, आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली बोथ वेज। तो एक्स रिलेटेड टू वाई कब होगा, जब एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई होगा। अच्छा जी, लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग आप बड़े आराम से कर देंगे, ऐसे बोलना चाहिए था ये। ठीक है, अच्छा लिस्टिंग देखो भाई, आर इज इक्वल टू वट, आर के लिए हम क्या कहेंगे, लेस देन इक्वल टू वाई का है ना मैंने, हाँ जी, तो पकड़ लो फटाफट से, 1.1 देन 1.2 देन 1.3, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। अच्छा जी, उसके बाद फिर 2.2 देन 2.3 देन 3.3। ठीक है जी, टोटल ये हमारे पास कितने, 3, 3, 6, टोटल 6 एलिमेंट्स आ गए भाई आर के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, दिस इज लिस्टिंग मेथड, तो हम ये तीनों देख चुके हैं। अब है मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड बहुत आसान है भाई, देखो क्या करना है आपको, मैट्रिक्स बनाना है, तो जो एलिमेंट्स है ना सेट के, उनको रो वाइज भी लिख लो और कॉलम वाइज भी लिख लो। अब रो और कॉलम वाइज लिखते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है ऑर्डर का, मतलब 1, 2, 3 यहाँ लिखा है तो यहाँ पे भी 1, 2, 3 ही लिखना, नहीं तो वही बात है मैट्रिक्स उल्टा सीधा बन जाएगा, ज्यादा मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ऑर्डर का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जनरली हम बोलते हैं कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा, तो हमें बहुत ध्यान से मैट्रिक्स बनाना होता है भाई। ठीक है, बोलो भाई, 1.1 इज प्रेजेंट, तो वही बात आएगी जैसे अर्जेंसी मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं ना, अर्जेंसी मैट्रिक्स, अर्जेंसी लिस्ट, आपको पता होगा डेटा सेट्स एल्गोरिथम में वही चीज है। तो अगर ऑर्डर पे प्रेजेंट होगा तो 1 लगा देंगे, एब्सेंट होगा तो 0 लगा देंगे, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, तो प्रेजेंट है तो 1 और एब्सेंट है तो 0। 1.1 इज प्रेजेंट इसलिए 1 डाल दिया, 1.2 इज प्रेजेंट, 1.3 इज प्रेजेंट, 2.1 इज एब्सेंट, 2.2 इज प्रेजेंट, 2.3 इज प्रेजेंट, 3.1, 3.2 इज एब्सेंट एंड 3.3 इज प्रेजेंट। ठीक है जी, तो ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला है, प्लीज ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में ये फर्स्ट है, ऐसे बोल देता हूँ, ये फर्स्ट एलिमेंट रहेगा ऑर्डर्ड पेयर में और ये हमारा सेकंड एलिमेंट रहेगा ऑर्डर्ड पेयर में, तो ऐसे बोला हमने 1, 1, 1, 2, आई थिंक कॉमन सेंस से आप सोच पा रहे होंगे, है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस ए की अगर रिलेशन है, उस टाइम पे मैट्रिक्स ऑब्वियसली कैसा आएगा भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, देखो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स से आया, 3x3 का मैट्रिक्स था, ऐसे ही ए के अंदर 4 एलिमेंट्स होते तो 4x4 का आ जाता है, एंड सो ऑन। अच्छा जी, बट अगर ये आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए और बी अलग अलग सेट्स हैं, तो ये स्क्वायर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। स्क्वायर कब आएगा भाई, स्क्वायर सिर्फ तब आएगा, आई थिंक आप गेस करके हो गए, जब साइज ऑफ ए इज इक्वल टू साइज ऑफ बी। ठीक है, दोनों का साइज सेम है तो आप कह देंगे कि ठीक है जी स्क्वायर आएगा, अदरवाइज वो स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट मैट्रिक्स। अच्छा, बेसिक सी बात आपको समझ आ रही होगी कि फाइनाइट रिलेशन को ही हम मैट्रिक्स से दिखा सकते हैं, इनफाइनाइट रिलेशन को हम लोग नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो मैं लिखता जाता हूँ बेसिक से साथ साथ, है ना। लिस्टिंग मेथड में भी ऑब्वियसली आप गेस कर पा रहे होंगे, सिर्फ फाइनाइट रिलेशन ही आ सकेगी, इनफाइनाइट नहीं आ सकेगी। स्टेटमेंट मेथड में दोनों चलेगी, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, हार्डली मैटर्स टू मी। जैसे एक्स आर वाई इफ एंड ओनली एक्स लेस देन वाई ऑन आर भी मैं कह सकता था, आर मतलब रियल नंबर का सेट, या ऑन जेड कह सकता था मतलब इंटीजर का सेट, एंड सो ऑन। स्टेटमेंट मेथड हर जगह चलेगा, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्मेट भी हर जगह चलेगा, मैट्रिक्स मेथड सिर्फ फाइनाइट रिलेशन के लिए ही चलेगा, क्योंकि हमें प्रॉपर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, इनफाइनाइट मैट्रिक्स को हम बना नहीं सकते, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, ठीक है, तो मैट्रिक्स में बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, स्क्वायर मैट्रिक्स कब आएगा, जब रिलेशन एक सेम सेट पे होगी, और अगर डिफरेंट सेट पे रिलेशन है, मतलब ए क्रॉस बी है, इस टाइप से है कुछ, तो वो स्क्वायर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। स्क्वायर कब आएगा, जब साइज सेम होगा। बेसिक सी बात है, मैंने फिर भी जस्ट रिपीट कर दी, पता नहीं क्यों रिपीट कर दी। ठीक है, चलो, ओके, दिस इज ऑल अबाउट मैट्रिक्स। अच्छा, अब हम देखते हैं डायग्राफ। डायग्राफ बहुत आसान है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी था, देखो फटाफट से मैं बनाकर दिखा देता हूँ, हटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, अच्छा, वैसे एक बात मेरे मन में और आ रही है, मैट्रिक्स देखो अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक की बात मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी, वैसे सारी चीजें जब मैं रिलेशंस पढ़ा रहा हूँ वहां बोल दूंगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव, जब हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस में जाएंगे वहां भी बोलूंगा, बट स्टिल एक पॉइंट मेरे मन में आया तो मैं बोल देता हूँ कि अगर रिलेशन हमारे सिमेट्रिक होगी ना, तो एम आर मतलब ये एम आर से रिप्रेजेंट करा रहा हूँ ये मैट्रिक्स फॉर दिस रिलेशन आर। ठीक है, एम आर मीन्स मैट्रिक्स फॉर दिस रिलेशन आर,
तो एम आर विल बी इक्वल टू एम आर का ट्रांसपोज, है ना, ट्रांसपोज होता है ना, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो तो वो हमारा ट्रांसपोज आता है। तो अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और ओरिजिनल मैट्रिक्स सेम आ रहे हैं तब हम क्या कहेंगे, जो गिवन रिलेशन है वो हमारी क्या है जी, सिमेट्रिक है। तो रिलेशन इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ, ये डबल इंप्लीकेशन लगाया मैंने, ध्यान रखना, इफ एंड ओनली इफ एम आर इज इक्वल टू एम आर का ट्रांसपोज। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, या आप इफ एंड ओनली इफ को समझिए ना, मतलब एम आर इज इक्वल टू एम आर ट्रांसपोज आ रहा है तो हम बोल देंगे रिलेशन सिमेट्रिक है, और रिलेशन सिमेट्रिक होगी तो एम आर इज इक्वल टू एम आर ट्रांसपोज आएगा ही आएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे, दोनों वे से चलेगा। ठीक है जी, चलो ओके, दिस इज मैट्रिक्स। अब डायग्राम स्टार्ट करते हैं, मैं हटा रहा हूँ उसको। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो फटाफट, मैं हटा रहा हूँ। हाँ जी, अब देखो भाई डायग्राफ, डायग्राफ अगेन वेरी वेरी सिंपल, इसमें आपको टेंशन बिल्कुल नहीं आएगी, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको वैसे बताया भी था। तो पहले तो पेरेंट सेट में जितने नोड्स है ना आप उनको लिखो भाई, देखो ये वन, ये टू, ये थ्री। अच्छा प्लीज ये चीज ध्यान रखनी है आपको, चाहे रिलेशन में वो नोड मतलब वो एलिमेंट यूज हुआ हो या ना हुआ हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, हमें लिखने सारे होते हैं ग्राफ के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे वन टू थ्री फोर होता और रिलेशन कुछ और होती, फोर का यूज ना भी हो रहा होता तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें फोर लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं कि ऐसे प्रॉपर, बस नोड्स इन ग्राफ विल बी एलिमेंट्स ऑफ पेरेंट सेट, बस इतना कह के मैं भाग जाऊंगा। अब यहीं से आपको समझना पड़ेगा कि मैंने चुपचाप यही बोला है, कुछ नहीं बोला रिलेशन के बारे में, क्या रिलेशन थी क्या रिलेशन नहीं थी हमें कोई मतलब नहीं है, मेरे को नोड्स क्या है भाई, नोट्स इन द ग्राफ विल बी बट एलिमेंट्स ऑफ द पेरेंट सेट। तो अगर पेरेंट सेट में चार एलिमेंट है, चाहे पेरेंट सेट में दस एलिमेंट है, अगर पेरेंट सेट में से दस एलिमेंट भी है तो हमें दस नोट्स बनानी पड़ेंगी। बेशक से रिलेशन के अंदर हमने दो एलिमेंट्स का यूज किया या तीन एलिमेंट का यूज किया, इट हार्डली मैटर्स टू मी, हमें सारी सी सारी दिखानी पड़ेगी, प्लीज ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमने सिंपल एक पॉइंट लिख दिया कि नोट्स इन द ग्राफ विल बी एलिमेंट्स ऑफ द पेरेंट सेट। तो मैंने रिलेशन की कोई बात ही नहीं करी है यहाँ पे, कि रिलेशन में हो ना हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, हमें बस जितने यू कैन से एलिमेंट्स होंगे सभी के लिए नोट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब रिलेशन कैसे दिखानी है भाई, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, 1, 1 है तो ऐसे सेल्फ लूप बनानी होती है, 1, 2 है तो 1 से 2 एक एरो बना दो, 1, 3 है तो 1 से 3 एक एरो बना दो, 2, 2 है तो 2 से 2 पे ऐसे बना दो, 2 से 3 आ रहे हैं तो लो जी, अच्छा जी 3 से 3 आ रहे हैं तो लो जी। ठीक है, ये बन गया हमारे पास डायग्राम। अच्छा, डायग्राफ का यूज बहुत ज्यादा, मैं आपको जब प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशंस पढ़ाऊंगा, मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ाऊंगा, वहां पे बात करूंगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब पहचानना बहुत आसान हो जाता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राफ। छोटी सी बात अगर पता हो तो, रिफ्लेक्सिव देखना तो बस सेल्फ लूप देखनी है हमने, हर एक नोड के ऊपर सेल्फ लूप होनी चाहिए, अगर किसी भी नोड पर सेल्फ लूप ना हुई तो हम उसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक नोड पर सेल्फ लूप देखनी होती है, डिटेल में आपको आगे सिखाऊंगा, बेसिक बेसिक बात अभी करता जा रहा हूं, तो बस फायदा बता देता हूं। एडवांटेज, एडवांटेज इसकी क्या है भाई, टाइप ऑफ रिलेशन पहचानिया इजी हो जाएगी, टाइप ऑफ रिलेशन आइडेंटिफिकेशन इजी, शॉर्ट में लिख लेता हूं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन इजी, तो ये थोड़ा रिलेशन की टाइप पहचानने में हमें थोड़ा सा आसानी दे देगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, दिस इज डायग्राम। हाँ, बट कॉमन सेंस आप सोच पा रहे होंगे, फाइनाइट रिलेशन में चलेगी भाई, ऑब्वियसली इनफाइनाइट रिलेशन पे नहीं चलेगी, इनफाइनाइट हम नोट्स कहां से बना के लाएंगे, है ना। तो डायग्राफ के आगे भी मैं लिख देता हूं, सिर्फ फाइनाइट पे ही चलेगी, इनफाइनाइट पे ये काम नहीं करेगी। ठीक है जी, अच्छा अगला है जी एरो डायग्राम। एरो डायग्राम भी बहुत आसान है, आपको पता होगा, मैं बना के दिखा देता हूं, हटा रहा हूं इसको। ठीक है, ओके जी, एरो डायग्राम देखो बहुत इजी है, जैसे यहां पे रिलेशन ए क्रॉस ए पे थी तो यहां पे भी ए लिखेंगे, यहां पे भी ए लिखेंगे, इनके एलिमेंट्स लिख दो भाई, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब रिलेशन सबसेट होती ए क्रॉस बी का, तो यहाँ पे ए यहाँ पे बी, एंड सोने से लिख लेते हैं लोग, है ना, बेसिक बेसिक बातें भी ये सब पता होंगी, है ना। अच्छा जी, तो आप देखो क्या क्या है, 1 से 1 लो जी एरो डाल दो, 1 से 2 एरो डाल दो, 1 से 3 ऐसे डाल दो, 2 से 2 लो जी, उसके बाद फिर 2 से 3 लो जी, है ना, फिर 3 से 3 ये लो। ठीक है, तो दिस इज आवर एरो डायग्राम। तो इन सब का यूज एक्चुअली मैं आपको फंक्शंस में दिखाऊंगा। ठीक है, फंक्शंस की आइडेंटिफिकेशन बड़ी इजी हो जाएगी, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ फंक्शन इजीली, टाइप ऑफ फंक्शन इजी। ठीक है, मतलब 1, 1 है, ओन 2 है ना, ये चीजें डिटेल फंक्शन में दिखाऊंगा। एक्चुअली फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप की रिलेशन ही होता है, कुछ नहीं होता। तो फंक्शन की टाइप आइडेंटिफाई करना एरो डायग्राम से बहुत आसान हो जाएगा, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वैसे आपको थोड़ा थोड़ा पता भी होगा प्रीवियस, अगर आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज है तो। ठीक है जी, ओके, चलो दिस इज एरो डायग्राम। अगेन आप समझ पा रहे होंगे ये भी किस में काम आएगा जी, फाइनाइट में ही काम आएगा, इनफाइनाइट में कहां से ऐसे एरो खींचते रहोगे सारा दिन,
ठीक है, हम काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद है ग्राफ। ग्राफ देखो, ग्राफ बड़ा आसान है। ये तो ग्राफ मैं आपको वैसे पहले बनवा के दिखा भी चुका हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ, हटा रहा हूँ इसको। अच्छा, ये ग्राफ, वो डेटा स्ट्रक्चर वाले ग्राफ से कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ये मैथमेटिकल ग्राफ है भाई, ठीक है। तो एक चीज याद रखनी है हमें, ग्राफ कब काम आएगा, जब हमारे पास जो पेरेंट सेट है, ठीक है, पेरेंट सेट अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, और जो रिलेशन हम बना रहे हैं ना, वो रिलेशन भी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है। मतलब जो रिलेशन का सेट है, दैट इज ऑल्सो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, और पेरेंट सेट भी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है। मतलब समझ पा रहे हो कि रियल नंबर पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यही मैं दिखा देता हूँ, आर एक्स इज रिलेटेड टू आई इफ एंड ओनली इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई ऑन आर, ठीक है। मतलब रियल नंबर पे मैं कहना चाह रहा हूँ। तो एक किस्म से ये फिर आर को कंफ्यूज करेगा आपको, एस ले लेता हूँ, ठीक है। तो हम एक किस्म से क्या कहना चाह रहे हैं भाई, एस इज सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर ओनली, ठीक है जी। तो अभी ये अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, तो फिर मैं पॉइंट्स कैसे दिखाऊं। लिस्टिंग तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने आपको बताया था अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट की हम लोग लिस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि पहले यही समझ नहीं आएगा पहला एलिमेंट कौन सा, दूसरा कौन सा, एंड सो ऑन। नहीं बता तो मेरे प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने सबको जैसे एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को। हाँ जी, तो बताओ भाई कैसे करें हम। तो ग्राफ बनाना बड़ा आसान काम है। तो ये जो हमने पूरा स्पेस दिखाया ना, हम इसको बोल देंगे जी आर क्रॉस आर, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस पे भी रियल नंबर्स हैं, वाई एक्सिस पे भी रियल नंबर्स हैं, तो इसलिए ये कार्टेशियन प्लेन जो है ये एक किस्म से आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट करवा रहा है, ठीक है। तो ये है हमारी एक्स एक्सिस, और ये है हमारी वाई एक्सिस, और ये एक किस्म से हमें रियल नंबर्स पे ही चल रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब वाई एक्सिस लेस देन इक्वल टू वाई मैंने कहा है, ज्यादा थोड़ा अच्छा बनाऊ, थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, मैं इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता। तो बोल देता हूँ इफ एंड ओनली इफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखो ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। आपको पता होगा मैंने सारे ग्राफ प्रीवियस क्लास में आपको बना के दिखाए भी थे, है ना, पैराबोला लाइक दिस, ठीक है जी। ये बन जाएगा, मैंने रफली बनाया है, मैं से ज्यादा अच्छे बनता नहीं है भाई एक्चुअली। ये लाइन यहाँ से पास होनी चाहिए थी, लो ऐसे जाएगा, ठीक है। हाँ, ओरिजिन से पास होना चाहिए था। अच्छा जी, तो अब देखो फायदा यही होगा, ये देखो मेरे से कर्व भी नहीं बनता एक्चुअली। प्लीज मेरे से एक्सपेक्ट मत करो भाई डायग्राम वगैरह, आप अपने डायग्राम बनाया करो भाई, ठीक है। कर्व और ये सब चीजें मेरे से बनती नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी, तो ये है, ये भी रियल नंबर्स हैं, और वाई एक्सेस हमारी ये है, ठीक है। हाँ जी, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हमारे पास ग्राफ बन चुका है। तो खास बात क्या है, अब पॉइंट्स पहचानना हमें बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये पूरा रियल नंबर्स हैं, आर क्रॉस आर का एक पूरा यू कैन से कार्टेशियन प्लेन है। तो आर क्रॉस आर ऑब्वियसली हमें पता है ये अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा, है ना। इवन आर इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, अगर आर अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है तो आर क्रॉस आर भी ऑब्वियसली अनकाउंटेबली इनफाइनाइट ही होगा। इनफैक्ट एक प्रॉपर्टी है, मैं आपको आगे जब टीओसी में काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छा जी, तो उसके बाद अब ये चीज देखो, जो हमने ये बनाया है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया है, ये सारे पॉइंट्स है ना, तो ये भी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, प्लीज ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कर्व है, दैट इज ऑल्सो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, जो पॉइंट्स हैं। तो हम सिंपली बोलेंगे भाई, जो भी पॉइंट कर्व के ऊपर है वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास एस को, और जो पॉइंट हमारे पास कर्व पे नहीं है वो एस को बिलोंग नहीं कर रहा, और जो पॉइंट कर्व पे है मतलब सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर ऑन द कर्व, दीज आर ऑल्सो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब वही बात है, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। तो सबसे बेस्ट वे आउट है जी ग्राफ बना के दिखाओ, बिना ग्राफ के आप इसको अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर सकते चीजों को, ठीक है, समझ रहे हो ना। पॉइंट ऑन द कर्व दैट इज बिलोंग टू एस, बिलोंग टू एस, जो पॉइंट कर्व पे नहीं है वो एस को बिलोंग नहीं करता, बस सिंपल सी बात है। और हम इतने अच्छे से इसको विजुअलाइज कर गए, लिस्टिंग तो हम ऑब्वियसली कर नहीं पाएंगे, सेट बिल्डर से वैसे मैंने आपको ये स्टेटमेंट वाइज दिखा दिया, सेट बिल्डर से भी आप देख सकते थे इसको, है ना। सेट बिल्डर में मैं क्या कह देता, एस इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन आर, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो वही चीज है, आप सेट बिल्डर से भी दिखा पा रहे हैं, मैट्रिक्स से मैं दिखा नहीं पाऊंगा, डायग्राफ ऑब्वियसली बना नहीं पाऊंगा, एरो डायग्राम भी ऑब्वियसली नहीं बना पाऊंगा क्योंकि सब फाइनाइट के लिए थे, ग्राफ मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ग्राफ इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। और उनको मतलब उनकी रिलेशंस दिखानी है या सेट्स दिखाने हैं तो हम ग्राफ की हद से बड़े आराम से दिखा सकते हैं। चलो ठीक है जी, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज टेबल मेथड। टेबल मेथड मैं आपको दिखाता हूँ, हटा रहा हूँ इसको। अच्छा जी, तो अब देखो भाई टेबल मेथड क्या कहता है। टेबल मेथड बहुत सिंपल है, जैसे यही रिलेशन थी हमारी, इसी में दिखा देता हूँ।
एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है, टेबल बना दो, आपका काम खत्म, सिंपली बस जो एलिमेंट्स हैं वो भरते चले जाओ। हाँ जी, 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 3, ठीक, बस सिंपल एकदम। तो टेबल से भी दिखा सकते हैं, वही बात है, एक टेबल बना के दे देंगे और एक कहानी छाप देंगे गेट एग्जाम में कि हाँ जी ऐसे ऐसे रिलेशन है एंड सो ऑन, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप देखे समझ जाओगे कि ठीक है ये तो टेबल है ना, टाइम बचेगा आपका एग्जाम में। अच्छा जी, तो इनका यूज ज्यादा कहाँ होता है, इनका ज्यादा यूज, टेबल्स का ज्यादा यूज होता है भाई साइंटिफिक एप्लीकेशन में, और आई थिंक आप देखते समझ पा रहे होगे, टेबल है तो हमें सारा एक किस्म से लिस्टिंग ही तो कर रहे हैं, तो एक किस्म से ये भी किस पे चलेगा भाई, फाइनाइट पे ही चलेगा, ठीक है, इनफाइनाइट पे ये काम नहीं करेगा, इनफाइनाइट कहाँ से एलिमेंट्स लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, साइंटिफिक एप्लीकेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब इन द सेंस देखो, साइंस इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शंस, हमें कुछ कुछ प्रिडिक्ट करना होता है, जैसे हम ये मान सकते थे, ये देखो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट है हमारे पास, वी है और ये आई है ना, तो वी की वैल्यू हम डालते जा रहे हैं, टू आया तो थ्री आया, थ्री डाला तो 3.2 आया, फोर डाला तो 3.5 आया, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ टेबल के अंदर वैल्यूज होंगे हमारे पास, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास 2 होगा तो करंट हमारे पास 3 आ रहा है ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई थिंक पता होगा सबको, है ना, तो 3 डाल रहे हैं तो 3.2 आ रहा है, 4 डाल रहे हैं तो 3.5 आ रहा है एंड सो ऑन, तो यही एग्जैक्टली साइंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अब मैं प्रिडिक्शन करूंगा, मतलब एक किस्म से पोटेंशियल डिफरेंस मैंने 4 लाया नहीं होगा, मैं बिना 4 लाए आपको बता दूंगा कि अगर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस 4 आया तो करंट हमारे पास 3.5 एम्पियर का होगा, यही सबसे बड़ी अच्छी बात है साइंस की। तो बिना काम किए हम लोग प्रिडिक्ट करते चले जाते हैं, जैसे प्रेशर वॉल्यूम हम दे सकते थे, ये प्रेशर ले लो, ये वॉल्यूम ले लो, है ना, तो प्रेशर इतना होगा तो वॉल्यूम इतनी आएगी, फिर प्रेशर इतना होगा तो वॉल्यूम इतनी आएगी, एंड सो ऑन कैलकुलेशन करते चले जाएंगे। तो एक्चुअली में प्रेशर, जैसे मैं बोलता हूं कि हमने बहुत ज्यादा प्रेशर दिया तो वॉल्यूम इतनी कम आएगी, एंड सो ऑन, कुछ भी आप जैसे मर्जी सोच लो, तो बहुत ज्यादा प्रेशर हम देने के बाद वॉल्यूम हमारा बहुत कम आती है, तो हम एग्जैक्टली कितनी आती है वो भी बता सकेंगे, और उतना प्रेशर डाले बिना बता देंगे, समझ पा रहे हो। ऐसे ही जैसे हम कहेंगे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बैक्टीरिया घटेंगे, बायोलॉजी में हम ऐसे बोलते हैं ना, तो टेम्परेचर 1000 सेल्सियस होगा तो बैक्टीरिया हमारे पास से 1000 रह जाएंगे, है ना, ये 1000 पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे करके वॉल्यूम होती है ना, वो सब चीजें मैं ज्यादा इतना घुसना नहीं चाह रहा, बेसिक बेसिक सी बात आई थिंक पता होगी सबको, सेंटीमीटर क्यूब, माइक्रो सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे करके हम लोग बनाते हैं वॉल्यूम के अंदर, देखते हैं कितने बैक्टीरियाज हैं, है ना, तो प्रेशर अगर 1000 सेल्सियस होगा तो 1000 पर सेंटीमीटर क्यूब बैक्टीरियाज बच रहे हैं, और उसके बाद फिर अगर हम लोग से प्रेशर से टेम्परेचर हम 2000 का कर देंगे तो 10 पर सेंटीमीटर क्यूब बचेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो वही चीज है, हम 1000 प्रेशर डाले बिना बता सकेंगे कि इतने बैक्टीरिया हमारे पास बचेंगे, यही एग्जैक्टली साइंस है। तो साइंस इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शंस ओनली, ठीक है, तो प्रिडिक्शंस करते चले जाते हैं हम लोग चीजों की, मतलब बिना काम को किए हम आउटपुट बता सकते हैं कि ये चीज आएगी, ठीक है, आई थिंक समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं, ठीक है, मेरे को इतना ज्यादा घुसना नहीं चाहिए, पता नहीं मैं ऐसा भी क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, दैट्स इट। तो साइंटिफिक एप्लीकेशंस में ज्यादातर टेबल मेथड का यूज होगा, तो बेसिक सी चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली साइंस है क्या, तो सारा कुछ ना मैथमेटिक्स से ही निकल कर, देखो ये सब मैथमेटिक्स की ही चीजें हैं, और इनफैक्ट आपको बात करते हैं फंक्शंस का बहुत ज्यादा यूज होता है साइंटिफिक एप्लीकेशंस में, रिलेशन का ज्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि रिलेशन में क्या, देखो 1 1 1 1 से भी है, 1 2 से भी है, 1 3 से भी है, ऐसे थोड़ी बात बनेगी, जब 2 आएगा तो फिर मैं कहां से बोल दूं कि किससे क्या लिंक होगा, लेकिन अगर मैं जैसे देखो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की बात कर रहे थे तो वो फंक्शन है ना, क्योंकि ये पता है ना V इज इक्वल टू आई आर, जैसे ओम्स लॉ में हम लोग कहते थे, तो ये फंक्शन वाली बात है, तो जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस 2 रखा है तो करंट की वैल्यू 3 ही आएगी, 3 के अलावा और कुछ नहीं आएगी, तो यही चीज फंक्शन बोलता है कि 1 इनपुट और 1 आउटपुट, तो ज्यादातर फंक्शन का यूज होता है साइंस में, इनफैक्ट जितने भी इक्वेशन हम लोग देखते हैं ना साइंस में वो सभी के सभी फंक्शन है, ठीक है, चलो ठीक है, डिटेल में ज्यादा आपको फंक्शन में बात करूंगा, ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट। So this is all about 8 ways to represent relations. अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अपना स्टार्ट कर लेंगे रिलेशंस का, जहां से एक्जैक्टली क्वेश्चंस पुट होने शुरू होते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशंस, मतलब या प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।